आज एक बेहद संवेदनशील, भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाले संदर्भित विषय पर हम एक पत्रकार वार्ता को आयोजित कर रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी हैं। पहले मैं आग्रह करता हूं अपनी टीम से कि वो एक वीडियो प्ले करें, उसके बाद जीतू पटवारी जी इस विषय पर विस्तार से आप लोगों से चर्चा करेंगे। विधायक प्रदीप पटेल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊगंज पहुंचकर गुंडों से रक्षा करने की बात कहते हुए एसपी और एडिशनल एसपी के सामने दंडवत हो गए। पहले ये वीडियो देखिए। क्या समस्या? क्या समस्या? कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। जब ये घटनाक्रम चल रहा था तब यहाँ मौजूद प्रतिनिधि ने अपने मोबाइल से इसे कैद कर लिया। बीजेपी विधायक का आरोप है कि पुलिस लगातार अपराध को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं और लगातार जिले में नशे का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। बीजेपी विधायक ने एडिशनल एसपी की चरण वंदना की। फोन पर बातचीत के दौरान वायरल वीडियो को लेकर मऊगंज बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल का कहना है कि हर रोज नशे के कारण चोरी लूट जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है, मगर पुलिस की टीम मौन बनी हुई। भोपाल, जहां देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री नहीं, शहर की हर गली में फैले हुए हैं ड्रग्स के पेडलर, जो खुलेआम ये कारोबार चला रहे हैं। एनडीटीवी ने भोपाल के द्वारा बुधवार से लेकर मंत्रियों का ठिकाना 74 बंगले और पॉश बिट्टन मार्केट तक ड्रग्स की इस काली दुनिया को उजागर किया। ऐसी फैक्ट्री से निकलकर ये ड्रग्स भोपाल की सकरी गलियों में पहुंचती है, जहां पेडलर खुलेआम ड्रग्स बेचते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं। इन गलियों में हाई सोसाइटी के नौजवान, स्टूडेंट और हर तबके के ग्राहक पहुंचते हैं। इन गलियों में चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और एमडीएमए सब पुड़िया में मौजूद है। नशे में कुछ कमी आई थी, वापस बढ़ गई है। यहाँ चौकी के अधिकारी खड़े हुए, 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। एसपी महोदय जी, मैं खड़ी हूँ बॉर्डर 58 चंद्रवती नाके से लेकर ये संभागीय कार्यालय हरिशंकरपुरम के लिए जाने वाले रोड पर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सारे मध्य प्रदेश के अहाते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए आपके राज्य में ये क्या चल रहा है। पूरी रोड पर ये पूरा रोड देखिए, अहाते ही अहाते आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है अहाते बंद करवाने की, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते 7 दिन के अंदर, तो मैं आपके एसपी ऑफिस में आकर बैठ जाऊंगी। यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, यहाँ से निकलने में उनको शर्म आती है, उनको लज्जा आती है। ये रोड हमारे जनता के लिए डिनर के बाद वॉक करने के लिए लगा था कि बहने हमारी निकलेगी वॉक करेगी, लेकिन बहने हमारी यहाँ पे शर्मा जाती है, यहाँ से निकलने में भी उनको कष्ट होता है। बच्चियाँ कोचिंग से आती है तो वो मुझे फोन करती है, कहती है कि यहाँ से कोचिंग के लिए निकलना भी मुश्किल है। आप बताइए आदरणीय
एसपी महोदय, क्या आपके राज्य में ये सब कुछ होता रहेगा? मैं आपको फिर 7 दिन का समय दे रही हूँ। नमस्कार साथियों, ये वीडियो उस भावना का जिसमें पूरे देश की और मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति नशे को लेकर या नशा माफिया को लेकर किस तरह के भयावह स्थिति है उसको केवल आप लोगों को अवगत कराना था। महूगंज के विधायक हैं, वो एसपी के पैर पड़ रहे हैं, छू रहे हैं और वो वीडियो में ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवा दो। एसपी ने कहा माफियाओं को कि अगर इसके कोई हत्या करके आओ तो मैं इनाम दूंगा। ये बीजेपी के विधायक के वर्ड है, शब्द है। अगर उस पूरे वीडियो को आप ढंग से सुनोगे तो ये एहसास होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और मंत्री हैं और नेता रहे हैं। वो खुद 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, कई बार ड्रग्स बहुत बिक रहा है, गली गली में बिक रहा है, परेशान है, ये स्वीकार कर चुके हैं। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई बीजेपी के अभी विधायक हैं, उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि पूरा प्रदेश नशा माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफियाओं की गिरफ्त में। फिर पार्षद की बात है, बीजेपी की पार्षद है, उन्होंने अपनी पूरी वेदना बताई। ये वेदना एक जगह की नहीं, पूरे प्रदेश की है। ये वीडियो का मूल जो भावना है वो ये है, पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि देश में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने देश को कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलेंगे। जो सरकार के आंकड़े हैं, सेंसेक्स है, वो ये कहता है कि लगभग 2.50 मतलब 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ नए बच्चे जन्म लेते हैं भारतवर्ष में। सरकार की एक 2 साल पहले रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी जिसको समाज कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने पेश किया था। उसके अंतर्गत देश में लगभग 40 करोड़ लोग नशा करते हैं। इसका एक साल में जो नशा करने वालों की तादाद बढ़ी उसके हिसाब से लगभग 2.10 करोड़ लोग हर वर्ष देश में नशा करने वाले बढ़े। यानी मोटे तौर पर रिपोर्ट का सार सरकार का है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। और आप अगर कल्याण विभाग के साइट पे जाएंगे तो रिपोर्ट आपको मिल भी जाएगी, उस एक साल पहले पेश हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थिति हमने बताई, इससे पहले उड़ता पंजाब, उड़ता हरियाणा, उड़ता उत्तर प्रदेश, इस तरह की कई बातें नशे को लेकर देश की स्थिति बताई गई थी। हम अखबार में, टीवी में, आप लोगों के माध्यम से आपस में बातचीत करके, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाकर ये बात करते रहते थे। देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, पर देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नशा करने वाले युवा जरूर बढ़ा दिए। इसी 10 साल की सरकार का ये जो काम करने का तरीका है या युवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, उनके लिए अवसर प्रदान करने की बातें हैं, उससे इस बात का एहसास हुआ कि हर साल 2 करोड़ नए लोग नशा की गिरफ्त में आ रहे हैं। और नशा कौन सा? इतने प्रकार का नशा जिसकी दिल्ली अभी आज या कल ही एक अखबार की रिपोर्ट थी कि यहाँ भी नशा पकड़ा गया। मतलब हर तरह का नशा, वो चाहे मेड्रोन हो, चाहे एमडी हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, चरस हो, डोडा चूरा हो, अलग अलग तरह के इतने नशे, सूखा नशा जो बॉटल में दवाइयाँ आती है उसका नशा पूरे देश में फैल चुका है। वो एक भी ऐसा राज्य जहाँ पर इस तरह के नशे की तादाद खासकर 20 साल 25 साल से नीचे के बच्चों में लगातार बढ़ती जा रही है।
ये बात दिल्ली आकर क्यों कहना पड़ी, मध्य प्रदेश की घटना को दिल्ली से क्यों जोड़ा गया? इसलिए कि आंध्र प्रदेश में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, जो भोपाल में रैकेट पकड़ा गया ड्रग्स का, उसके तार जुड़े हुए हैं। यानी पूरे देश में एक पंजाब उड़ता था, उड़ता पंजाब, जिसकी फिल्म बनी, जिसकी हमेशा एक तरह से आलोचना हुई, हम सब ने उसकी चिंता जाहिर की, फिर हरियाणा आया, फिर अब मध्य प्रदेश है। ये पूरे देश में इस तरह का जाल फैल गया, तो इसके लिए दोषी तो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है। मोदी जी ने रोजगार की बात नहीं क्यों करता है? एक बच्चा नशा, एक परिवार का नया युवा रोजगार नहीं मिलेगा, रोज सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी दिनचर्या पूरा तीन तीन चार चार पाँच पाँच सात सात आठ आठ घंटे उसी पे लगा रहेगा और फिर नशा करेगा। ये ऐसा देश है मेरा, हमारा देश ऐसा मोदी जी के राज में बना है। मैं मध्य प्रदेश में फिर से आता हूँ, वहाँ पर सरकार बीजेपी की है ही नहीं, वहाँ सरकार जनता की भी नहीं, मोहन यादव जी की भी नहीं, माफियाओं की सरकार है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये इसलिए कहता हूँ कि हर तरह का माफिया वहाँ हावी है, वो चाहे शिक्षा का माफिया हो, चाहे वहाँ खनिज का माफिया हो, प्रशासनिक एक माफिया है जो बिना लेन देन किए प्रशासनिक व्यवस्था चलाता ही नहीं है, और बिना लेन देन किए कभी उसकी उनकी पोस्टिंग कलेक्टर से लेकर चपरासी तक होती ही नहीं है, एक प्रशासनिक माफिया। फिर शराब माफिया, नशा, खनिज माफिया, हर तरह का माफिया हावी है। मैं जैसा कह रहा था कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों, मध्य प्रदेश की एक साल में मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया किस तरीके से हावी हुआ, उसका पूरा हमने खुलासा भोपाल में किया था। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये एक प्रदेश की वानगी है, ऐसा हर तरीके का जो घटनाक्रम है हर प्रदेश में हो रहा है। मैं फिर से जो मैंने आपको पूरी घटना बता दी कि ये आरोप सिर्फ विपक्ष के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है या मीडिया के नहीं है, ये बीजेपी के लोग जो वीडियो बताने का मूल मतक है कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री, उनके पार्षद, उनके कार्यकर्ता थक गए, उनके बच्चे भी नशा करते हैं, एक घर नहीं बचा। रोज रोज डेली भारतवर्ष की एक तिहाई आबादी एक तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुकी है, और इसके लिए इस 10 साल मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, इनकी सरकार का रहा, बीजेपी की जो सरकार का रहा, वो अस्मरणीय है। उन्होंने इतना इसको फैलाया और फुलाया कि जिसकी वही जो अडानी पोर्ट से पकड़ी गई ड्रग्स की बात हुई थी, उसके बाद अलग अलग तरीके के अगर हम सर्च करो तो 100 केस आते हैं, और ये नशा इतना बढ़ता है। पर सरकार ने किया क्या, मोदी जी ने क्या किया, कोई कार्य योजना ऐसी बनी जिससे देश याद रखे कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के बच्चों को रोजगार नहीं दिया, पर नशे से मुक्त करने के लिए ये प्रयास किया? एक भी नहीं बनी। तो मूल भावना यही है कि हमारे सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पष्ट है कि एक उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के, देवड़ा जी, उनका एकदम करीब राइट हैंड, उस पूरे नशे के 1800 करोड़ रुपए की 1900 करोड़ रुपए का नशे का कारोबार पकड़ा गया और उसके तार सारे प्रदेशों से मिले जिनके मैंने अभी नाम लिए। क्या मोदी जी भाषण ही करेंगे कि एक आध कभी राजनीतिक व्यक्ति को भी इसके लिए दोषी ठहराएंगे? एक राइट हैंड रोज रात दिन साथ चलता युवा मोर्चा का नेता, एक उप मुख्यमंत्री आपका उसके साथ है और मोदी जी मौन है, क्यों? आखिर मोदी जी को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि मेरे सरकार का एक मुख्यमंत्री का एक करीबी आदमी इतने बड़े रैकेट में पकड़ा गया, बिना राजनीतिक संरक्षण के करता होगा वो ये काम, बिना राजनीतिक संरक्षण से इतना बड़ा कारोबार होता होगा? तो इसका मतलब है कि बीजेपी इसमें लिप्त है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप लिप्त नहीं हो, आपकी पार्टी नहीं है, तो आपने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आज 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उस उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना था या नहीं होना था? नहीं हुआ, और सफाई दी गई बीजेपी के अध्यक्ष द्वारा कि फोटो से कुछ होता है क्या? फोटो तो कोई भी किसी के, एक फोटो से नहीं होता है, 2 फोटो से नहीं होता है, 4 वीडियो से नहीं होता है, 500 फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पूरी उनसे भरी हुई हो, उसी व्यक्ति की जो ड्रग माफिया में पकड़ा गया और उप मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के ही सारे नेताओं के साथ, फिर भी आप प्रमाण मांगते हो?
यानी आप देश के भविष्य को नशे की गिरफ्त में लाना चाहते हो और फिर भी उल्टा चोर कोतवाल, ये स्थिति बनने लगी। तो फिर से मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि आप मध्य प्रदेश के गली गली में ड्रग्स है, गली गली में नशा है, शराब माफिया, नशा माफिया मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है, देश भी इसी तर्ज पे है, आप एक उदाहरण पेश करो और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि इतने राज्यों में नेटवर्क है, इसका मतलब सब दूर नशे की गिरफ्त में देश है, तो देश उड़ते भारत नशे के खिल के भावना में जो उड़ता पंजाब नाम दिया गया, एक दिन कहीं उड़ता भारत नाम नहीं दिया जाए, इसके लिए सरकार कुछ करे, कदम उठाए। ये राजनीतिक आचार विचार नहीं हो सकता, आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपना दायित्व निभाना चाहती और ये सरकार को जगाना चाहती कि नशे के खिलाफ सकारात्मक कोई निर्णय लो, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रोल प्ले करेगी। ये देश के आने वाले भविष्य में, युवाओं के भविष्य में अगर इस तरह की दुर्गति बनती रही तो आखिर देश जाएगा कहाँ। एक बेटा नशा करके घर आता है, मैंने कहा कि लगभग 40 करोड़ लोग नशा करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं कम नहीं, तो 50% नए बच्चे हैं 25 साल से नीचे के हैं। वो बेटा नशा करके, ड्रग्स का नशा करके घर जाता है तो उस माँ बाप के खून के आंसू रोते हैं या नहीं रोते हैं? आखिर क्या स्थिति है? वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी दल का, किसी भी विचार का क्यों व्यक्ति ना हो, पर उसके परिवार में अगर कोई बेटा नशा करके जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने, सरकार ने इस पर कदम उठाने चाहिए। जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सरकार ने कदम नहीं उठाया, जो संसद में पेश जरूर हुई, भाषण थोड़ी देर के लिए हो गए, एक घंटे के लिए, पर मुद्दा ये संसद के चार दिन चले और सब इसमें सहभागिता बने और फिर अब कोई नया एक आयाम निकले, कोई एक नया विचार निकले और नशे के खिलाफ देश चले, उस तरह की रणनीति का था, पर मोदी जी ने इस गंभीरता को नहीं समझा, सरकार ने नहीं समझा। तीसरी बात, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक व्यक्ति है, मोहन यादव जी, वो मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं है, इस तरह की घटनाओं पर बयान ही नहीं देते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री बने, आपके उप मुख्यमंत्री के आसपास के लोग इतने बड़े रैकेट में पकड़े गए, मध्य प्रदेश के पुलिस का कुछ एक क्षण भी उसमें योगदान नहीं है। देश की जो नारकोटिक विभाग है, जो सरकार द्वारा संचालित नशे के खिलाफ संस्था है, उसने इस तरह की कार्रवाई की और मोहन यादव जी ने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। आपकी सरकार, आपका गृह मंत्रालय निकम्मा था जो इतना बड़ा काम चलता रहा और कुछ नहीं कर पाया। यहां से लोग आए, गुजरात से पुलिस आई और उन्होंने इस पूरे कांड का खुलासा किया, तो क्या आप उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए उनको, उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए? और अगर उनको एक भी शब्द वो नहीं बोलेंगे तो फिर विपक्ष का दायित्व इस आवाज को उठाने का है कि नहीं? हमने भोपाल में भी उठाई, पूरे अलग अलग शहरों में भी, जिलों में भी उठाई और हम दिल्ली से भी ये बात करने आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस को गाली देने से पहले चार उंगली आपके पास आपकी तरफ होती है और प्रमाण हो गया उसका, एक उप मुख्यमंत्री उसका प्रमाण है। कुछ तो कार्रवाई करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ ऐसा कि आप बोलते हो उसमें सच्चाई है। मैं प्रधानमंत्री जी से फिर से अनुरोध करता हूं कि नशे के इस पूरे घटनाक्रम में देश उड़ता भारत की ओर है और एक राज्य, वो चाहे पंजाब हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे असम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पंजाब, राजस्थान हो, एक भी राज्य इस नशे की गिरफ्त से बाहर नहीं है। इसका मतलब है देश की सरकार राज्यों की सरकार के साथ साथ फेल हुई है इस पूरे कांड में, इस पूरे घटनाक्रम में। तो मैं पूरे घटनाक्रम पर देश की सरकार की निंदा करता हूं और साथ ही साथ इस भावना को व्यक्त करता हूं कि देश की सरकार इसमें सकारात्मक पहल करे, मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति है, वहाँ संज्ञान में ले यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले। धन्यवाद। आपने बीच में एनडीटीवी का भी एक वीडियो चलाया, मैं एनडीटीवी से ही हूँ, उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से भोपाल के चौक चौराहों पर भी
ये ड्रग्स मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल पटवारी जी ये भी है कि उसी में दिखाया गया कि इस ड्रग्स कारोबार का सर्वदलीय कनेक्शन भी है। मैंने देखा था कोई पाटीदार जी थे, उनका कांग्रेस से भी कनेक्शन है, तो हर दल में इस तरह की बातें, इसको कैसे टैकल किया? आपने मेरा पूरा वक्तव्य सुना है तो मैंने यही कहा कि इसमें सकारात्मक सोच के साथ कांग्रेस सहयोग करना चाहती है। ये उड़ता भारत, ये व्यवस्था बनेगी तो आखिर देश के भविष्य जाएगा कहाँ, जब राजनीतिक विचार क्या कर लेगा। जहाँ तक प्रश्न इस तरह के माफियाओं का, वो किसी भी दल से जुड़े हुए क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति से जुड़े हो क्यों नहीं हो, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। जो आपने कहा कि आपकी टीवी एनडीटीवी ने रिपोर्ट का सार क्या है, रिपोर्ट का सार ये कि टीआई के घर के सामने, थाने के सामने, कलेक्टर के घर के सामने, जो आईएएस है उनके घर के सामने, सारे मंत्रियों के घर के सामने इस तरह का नशा बिकता है और खुलेआम कोई डर नहीं है। तो आखिर जो हम बात कह रहे हैं उसकी गंभीरता क्या है? यही तो गंभीरता है कि ये हालात हो गए और ये हालात बनाने वाला कौन है? तो नेचुरल है, वहाँ 25 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ 10 साल से बीजेपी की सरकार है। जो इंडेक्स है, सेंसेक्स है, वो ये कहता है कि इस 10 साल में 2.5 करोड़ लोग हर साल नए बढ़ते हैं नशा करने वाले। ये मेरा नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट संसद में पेश हुई है। तो आखिर ये देश 2 करोड़ रोजगार देने वाला प्रधानमंत्री 2 करोड़ नशेड़ी बनाने लगा, तो ये सवाल नहीं बनता है? और कोई का सवाल है? आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया और उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि उनके कोई एसोसिएट, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की इसलिए कि 500 वीडियो और विजुअल सोशल मीडिया पर उस अपराधी के साथ उप मुख्यमंत्री के मिले, और देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में जब चुनाव हो रहे थे तो नशे के खिलाफ दिल्ली की बातें कर रहे थे। अगर दिल्ली में भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का इससे जुड़ा हुआ अपराधी है तो सरकार को अपना काम करना चाहिए। फिर से बताएं क्या है सवाल? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, इस मंत्रालय के पास जिम्मेदारी है कि नशा मुक्ति किया जाए। नहीं, बात यह है, तो बात यह, रिपोर्ट पे अगर काम सही नहीं हो रहा है और लगातार नशा बढ़ रहा है तो दोषी तो नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है, बीजेपी की है, मंत्रालय ही है। ये निर्णय तो बीजेपी करे, मोदी जी करे। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, भूल गए, है ही नहीं, उतने ही 2 करोड़ बेरोजगार हुए, ये भी चलो अपनी जगह हो गया, पर 2.5 करोड़ नशेड़ी, नशा करने वाला युवा हर साल बनाने लगा, तो ये भी तो मोदी जी का एक फेलिवर है। ये छोटा मोटा फेलिवर नहीं है, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो मैं मानता हूं कि ये बात हम सबको, मीडिया को भी और विपक्ष को भी और देश की जनता को भी, और मैं तो कहूं बीजेपी के लोगों को भी, जैसा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं लोग बीजेपी के, लगातार आवाज उठा रहे हैं, ऐसा देश में उठानी चाहिए। आखिर भारत वर्ष हमारा है, देश हमारा है, और देश सबसे प्रथम है, सबसे पहले है, तो इस भावना कहां गई बीजेपी की? जीतू जी, आपने जो बात की भोपाल ड्रग्स सैकेट के जो तार है वो देश के कई राज्यों से जुड़े हुए, उसमें आपने कर्नाटक का भी नाम लिया, वहां पर आपकी सरकार है, तो क्या आपकी सरकार कोई इस प्रकार पहल करेगी? आप खुद अपनी सरकार से मांग करेंगे, संपर्क किया है कि उसी बहाने, कम से कम चूंकि ये बहुत गंभीर मामला है तो उसी बहाने इसकी तह तक जाया जा सके, एक। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अगर आरोपी के साथ किसी नेता की तस्वीर है तो उससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? तो दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर पकड़ा गया, उसकी तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं के साथ ही सामने आई, तो क्या उस मामले में कांग्रेस के उन नेताओं से भी पूछताछ होनी चाहिए? आप इसकी, मैंने जैसा कहा आपको कि ये देश के भविष्य का सवाल है और ये राजनीतिक विचार से बड़ा एक सवाल है। मैंने ये भी कहा कि कांग्रेस इसमें सकारात्मक चिंता जाहिर कर रही है, देश की जो हालात है वो उड़ते भारत की ओर जाने लगी है। तो 10 साल में नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी, 25 साल में बीजेपी की ही सरकार है, आखिर ये स्थिति बनी क्यों? और मैंने इस्तीफा एक फोटो पे नहीं मांगा, मैंने इस्तीफा पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है, कम से कम 1000 वीडियो और फोटो मिल जाएंगे, रोज दिनचर्या के, दिन रात खाने पीने के, बैठने के साथ, उठने बैठने के, समारोह में जाने के,
और एक साल की नहीं है, करीब लगातार 5-7 साल के घटनाक्रम है। तो इसलिए ये एहसास होता है कि ये साथ रहने वाला व्यक्ति बिना राजनीतिक संरक्षण से इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता था। ये सीधा मैसेज है। रही बात दिल्ली के संदर्भ में, मैंने कहा अपराधी अपराधी होता है। इस तरह के किसी भी केस में कोई भी किसी भी राजनीतिक विचार का की सुरक्षा नहीं की जा सकती। तो ये सवाल राजनीतिक, आज हम प्रेस से जो बात कर रहे हैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की नहीं कर रहे, देश के युवाओं के भविष्य की कर रहे हैं। आपने, मैंने 3 बार बोल दी, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, महत्वपूर्ण ये है कि 2 करोड़ रोजगार देने थे, 2.5 करोड़ नशेड़ी बनने लगे, आखिर देश किस दिशा में है? धन्यवाद। इसमें एक एक, एक स्पष्टीकरण और, जो आपने प्रश्न पूछा है, 2022 में यही हरीश आंजना ड्रग्स के रैकेट में पकड़ा गया है 2022 में, और वो उसमें उस केस में जमानत हुई है। जो विधायक का हमने वीडियो चलाया है अध्यक्ष जी ने, उसका संदर्भ यह है कि उसने रीवा के आईजी रेंज को एक लिखित शिकायत की थी कि ड्रग्स का कारोबार मेरे जिले में बहुत बेतहाशा फैल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि उस पत्र के बाद ये मैसेज उसके पास है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विधायक की हत्या करो और इनाम पाओ, ये खुद विधायक कह रहे हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एल्प्राजोल पाउडर, स्मैक, चरस, गांजा, जो आप बता रहे थे, उस चैनल की रिपोर्ट, 72 घंटे का स्टिंग ऑपरेशन भोपाल में किया है, 72 आवर्स का, और चप्पे चप्पे पर ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है। इसी की बात की चिंता जीतू पटवारी जी ने व्यक्त की।